का छिटकू सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। नंबर और शेप सीखना है फ्रेंड्स, आखिर तक रहना तुम सब प्रेजेंट। आज हम सीखेंगे शेप्स और नंबर्स। देखो सब आ भी गए। तो बताओ बताओ ये क्या है? क्या ये पाँच है? नहीं ये पाँच तो नहीं है। तो फिर क्या ये बारह है? नहीं बारह भी नहीं हो सकता। तो क्या ये एक है? हाँ ये तो एक है और इसका शेप है पैरेललोग्राम। ओ एन ई वन यानी कि एक। मुझे बहुत पसंद है रहना नंबर वन। देखते हैं अगला कौन सा है। क्या ये चार है? ना चार तो नहीं है। क्या ये दो है? हाँ ये दो है और इसका शेप है डायमंड। टी डब्ल्यू ओ टू यानी कि दो। और ये सेट हो गया। देखो मेरे पास टू है। आगे वाला देखते हैं कौन सा है। हाँ ये है थ्री और इसका शेप है ट्रायंगल। टी एच आर ई ई थ्री यानी कि तीन। ये भी लगा दिया। मुझे थ्री नंबर पसंद है। अगला कौन सा है? क्या ये दस है? ना दस तो नहीं है। तो क्या ये चार है? हाँ ये चार है और इसका शेप है रेक्टेंगल। F O U R फोर यानी कि चार। क्या बात है दोस्तों, हमने अब तक सब कुछ पहचान लिया। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ ये है पाँच और इसका शेप है पेंटागन। F I V E फाइव यानी कि पाँच। पता है हमारी पाँच उंगलियाँ भी होती हैं। अब अगला वाला देखते हैं। क्या ये सेवन है? नहीं सात तो नहीं है। क्या ये छह है? हाँ ये छह है और इसका शेप है ओवल। एस आई एक्स सिक्स यानी कि छह। क्या बात है दोस्तों, इसका शेप क्या बताया था मैंने? हाँ ओवल। अगला वाला क्या है? हाँ सेवन और इसका शेप है हेक्सागन। एस ई वी ई एन सेवन यानी कि सात। एक हफ्ते में सात दिन होते हैं। ये चलो अगले वाला देखते हैं। हाँ यही है एट और इसका शेप है प्लस। ई आई जी एच टी एट यानी कि आठ। ओ ये हम सही जा रहे हैं। ओ ये आहा। अगला वाला कौन सा है? नहीं ग्यारह तो नहीं है। तो क्या ये नौ है? हाँ ये है नौ। इसका शेप है स्टार शेप। एन आई एन ई नाइन यानी कि नौ। इसका शेप स्टार है जैसे कि तुम सब स्टार हो, है ना? अगला वाला है नंबर टेन और इसका शेप है हार्ट। टी ई एन टेन यानी कि दस। इसे मैं अपनी मम्मा को दूंगा। मम्मा के पास मेरा हार्ट है। लव लव लव। अब इलेवन और इसका शेप है स्क्वायर। ई एल ई वी ई एन इलेवन यानी कि ग्यारह। वाह हमने गेम में इतनी सारी काउंटिंग सीख ली और शेप भी सीखे। अब बस आखिरी वाला जो कि है नंबर ट्वेल्व और इसका शेप है सर्कल। टी डब्ल्यू ई एल बी ई ट्वेल्व यानी कि बारह। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखा हमने खेल खेल में कितना कुछ सीख लिया। बहुत मजा आया है ना? तुम सब बहुत स्मार्ट हो दोस्तों, तुमने शेप और नंबर्स को अच्छी तरह से मैच कर लिया। अगली बार फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज हम सीखेंगे विपरीत शब्द यानी ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी जिनका मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का विपरीत शब्द होता है रात। तो ऑपोजिट सीखने के लिए रेडी? तो बताओ क्या होता है बड़ा का ऑपोजिट? क्या वो होता है छोटा या फिर ठंडा? सही कहा आपने, बड़ा का ऑपोजिट होता है छोटा। देखो हाथी है बड़ा और चूहा है कितना छोटा। चलो आगे बढ़े। बोलो तो क्या होता है भरा का ऑपोजिट? क्या होता है ये उदास या फिर खाली? जवाब है खाली। ये ग्लास है भरा और ये खाली, तो बजाओ ताली। करते हैं अब हम अगला ट्राई। देखो यहाँ मैंने उठाया है कुछ बहुत भारी। क्या होता है भारी का ऑपोजिट? हल्का या उदास?
मेरा चेहरा तो उदास सा है। लेकिन इसका सही जवाब है हल्का। पंख होता है हल्का, पत्थर है भारी और पंख है हल्का। चलो एक और करते हैं। हमारे पास ये चेहरा है जो खुश है, तो बताओ खुश का ऑपोजिट उदास होना चाहिए या ठंडा? बिल्कुल सही, उदास। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश का ऑपोजिट होता है उदास। वैसे कैसा है आपका हाल? चलो करते हैं एक और। हमारे पास है ये साफ हाथ। साफ का ऑपोजिट हल्का होता है या गंदा? एकदम सही, साफ का ऑपोजिट होता है गंदा। ये हाथ है साफ और ये है पूरा गंदा। यहाँ है आग और ये होती है बहुत गर्म। तो बताओ गर्म का ऑपोजिट छोटा होगा या ठंडा? हाँ हाँ, गर्म का ऑपोजिट होता है ठंडा। आग होती है गर्म और बर्फ होती है ठंडी। कितना मजा आया, अगली बार मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छुटकुला सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। ये आज हम सीखने वाले हैं कि फार्म एनिमल्स को कैसे पेंट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, चलो शुरू करें। तो चलो बताओ, ये सबसे पहले जो आया ये कौन सा एनिमल है? इसके दो बड़े बड़े कान होते हैं और दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। एक गुलाबी रंग की जीभ बाहर रहती है और इसका रंग ब्राउन यानी कि भूरा होता है। और एक छोटा सा लॉकेट भी होता है जिस पर इनका नाम लिखा होता है। बताओ ये कौन सा एनिमल है? बिल्कुल सही, ये है एक डॉग, D-O-G डॉग। मेरे पास भी एक डॉगी है। चलो अब अगली पिक्चर को पेंट करें। बताओ ये क्या है? मैं तो जानता हूँ ये क्या है। इसके ऊपर रेड यानी लाल रंग का कॉम्ब होता है। इसकी छोटी सी चोंच होती है और ये बहुत ज्यादा रंग बिरंगी होती है। क्यों नहीं पहचान पाए ना? अच्छा एक और क्लू देता हूँ, ये सुबह सुबह कुकड़ों को करती है। और इसके पंजे होते हैं हल्के पीले रंग के। ये है हैन, H-E-N हैन यानी कि मुर्गी। ओह देखो अगली पिक्चर आ भी गई। अरे वाह, ये कितनी छोटी सी और प्यारी सी है ना, बिल्कुल मेरी जैसी। ये तालाब में ही रहती है और इसका रंग पीला होता है। ये क्वैक 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 करती है। क्या तुमने गेस कर लिया? मैं तो जानता हूँ ये कौन है। इसकी चोंच होती है ऑरेंज रंग की यानी कि नारंगी। ये है एक डक, D-U-C-K डक। ये देखो ये कौन आ गया। मैं तो जानता हूँ ये कौन है। इसके पिंक यानी कि गुलाबी रंग के कान होते हैं और इसकी छोटी सी नाक भी पिंक यानी गुलाबी रंग की होती है। ये म्याऊ म्याऊ करती है और इसे दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। कितनी सुंदर लग रही है ना ये। क्या तुमने गैस कर लिया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये है एक कैट, C-A-T कैट यानी कि बिल्ली। ये देखो एक और पिक्चर आ गई। चलो इसे भी पेंट कर लेते हैं। तुमने अभी तक गेस नहीं किया क्या? अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। हम रोज सुबह सुबह जो दूध पीते हैं ना, वो इन्हीं का होता है। इनके शरीर पर भूरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं और गले में एक घंटी भी होती है। एक लंबी सी पूंछ होती है। बताओ ये कौन है? ये है काओ, C-O-W काओ यानी कि गाय। पहले हमने पेंट किया डॉग, उसके बाद किया हेन को, फिर डक को, और उसके बाद कैट, और फिर काऊ को। बहुत मजा आया दोस्तों, हमने फार्म एनिमल्स को पेंट किया और उनके नाम भी सीखे। क्या बात है, फिर मिलेंगे, बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकुला एलिफेंट। आज बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है? चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइन भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल यानी गोला। देखिए ये कहाँ फिट होता है। आया आ गया। अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल यानी समकोण, ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार रहेगा? स्क्वायर यानी चौकोर, इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल यानी त्रिकोण, और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार यानी सितारा, ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये 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 वाला है ऑरेंज यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड यानी
यानी लाल रंग का, चॉकलेट था येलो यानी पीले रंग का, और झोला था ब्लू यानी नीले रंग का, और पता है सितारा था पिंक यानी गुलाबी रंग का। वाह! ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया, बहुत मजा आया दोस्तों, है ना? बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, सबको करता हूँ एंटरटेन, शेप्स को ढूंढ कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो। एंड काश लोग पेगोटे भी साथ होते। अरे ये क्या है, ट्रेजर बॉक्स? देखता हूँ इसमें कौन सा शेप है। किली किली सिम। अरे ये तो त्रिकोण है, वो भी लाल रंग का। आगे बढ़ता हूँ, और भी रंग मिलेंगे। अरे वाह संतरा, ये खा लेता हूँ। बहुत भूख आई है, टूट जा। अब देखो छड़ी का कमाल, किली किली सिम। अरे ये तो गोलाकार है यानी सर्कल। आगे देखते हैं कौन सा शेप मिलेगा। अरे इतने सारे केले, इनसे कौन सा शेप मिलेगा दोस्तों? जादू की छड़ी है ना, गिली गिली सिम। अरे वाह बन गया पीले रंग का चौकोर, जादू की छड़ी। चलो इन सारे शेप्स को एक साथ जोड़कर एक नया शेप बनाओ। चलो चलो बना दो गिली गिली सिम। हाँ बन गया एक तारा जो है गुलाबी रंग का। तो दोस्तों सितारे रात को आसमान में चमकते हैं, आपने देखे होंगे ना? देखो देखो कितने सुंदर है ना। अब केंट को निन्नू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त केंट, और आज मैं आपको अलग अलग शेप्स के बारे में सिखाऊंगा। तो गेस करो ये कौन सा शेप है। हाँ ये है चौकोर। अब देखना इस जादुई छड़ी का कमाल। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट, मेरे पास है मैजिक वॉन्ड, इसे बना दूंगा स्क्वायर का पॉन्ड। गिली गिली वर्ष। अरे ये क्या हुआ, क्या हो रहा है? अरे यिप्पी, बड़ा मजा आया। वाह ये कितने सारे हैं। ये है रेड यानी लाल चौकोर। देखता हूँ कौन सा शेप आता है। अरे वाह ये तो तारा है। लगा दिया स्टार। अब देखो इस जादुई छड़ी का कमाल। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट, मेरे पास है मैजिक वॉन्ड, इसे बना दूंगा स्टार शेप्स का पॉन्ड। गिली गिली वश। अरे क्या हुआ, फिर से ये तंग कर रहा है मुझे। कितने सारे तारे हैं ये। ये वाओ, और ये सारे तारे हैं ग्रीन यानी हरे। अब देखते हैं आगे कौन सा शेप आता है। अरे वाह ये तो है आयताकार। लगा दिया रेक्टेंगल। अब देखो जादुई छड़ी का कमाल। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट, मेरे पास है मैजिक वॉन्ड, इसे बना दूंगा रेक्टेंगल का पॉन्ड। गिली गिली वुश। अरे ये तो फिर से हिल रहा है, खुल क्यों नहीं हिल रहा? अरे ओ खुल गया, ये व्हिपी। ये कितने सारे हैं। ये है ब्लू यानी नीला आयताकार। देखते हैं और कौन सी शेप्स है यहाँ। अरे वाह ये तो है गोलाकार। अब फिर से देखो इस जादुई छड़ी का कमाल। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट, मेरे पास है मैजिक वॉन्ड, इसे बना दूंगा सर्कल का पॉन्ड। गिली गिली वुश। अरे हाँ ये खुलता क्यों नहीं है। अरे खुल भी जा, खुल गया। यिप्पी यानी गुलाबी गोलाकार।
देखते हैं और कौन कौन से शेप्स बचे हैं। अरे वाह, ये शेप तो है। कौन सा है बोलो, जल्दी बताओ। हाँ, त्रिकोण। अब देखो इस जादुई छड़ी का कमाल। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चिटकू सा एलिफेंट। मेरे पास है मैजिक वॉन्ड, इसे बना दूंगा ट्रायंगल का पॉन्ड। गिली गिली वश। अरे खुल भी जाओ दोस्त। ओह, खुल गया। ये है येलो यानी पीला त्रिकोण। बाय दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो केंट आपको सिखाने वाला है व्हीकल्स के नाम। व्हीकल्स के नाम, आज है केंट की थीम। काश मैं खा पाता कोई आइसक्रीम। केंट को पसंद है ब्लैक करंट क्रीम। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। आ गई मेरी आइसक्रीम। ये वाओ, अरे ये क्या है? हाँ, आगे देखता हूँ क्या है। वाओ, फायर ट्रक। काश केंट करे कुकिंग। सब्जी जली नहीं, इसीलिए करना है इसे लुकिंग। और सब्जी जल गई। I'm not joking. फायर ट्रक आ गया। ये लो, अभी आग बुझा देता हूँ। अरे मुझ पर पानी मत डालो। अरे मैं तो सपना देख रहा था। आगे देखता हूँ क्या है। स्कूल बस। केंट जाएगा स्कूल, ना जाने की नहीं करेगा भूल। लेकिन आज है केंट अकेला और बड़ी सी बस को चलाने में है बहुत झमेला। चलो देखता हूँ अब आगे क्या है। काश मेरे पास कार होती। लुक चलाएगा कार। केंट हो जाओ इसमें सवार। दोनों को जाना है पार्क के उस पार। अब हम मिलेंगे अगली बार। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका छुटकू सा प्यारा सा दोस्त केंट द एलिफेंट। आज हम कुछ जरूरी सीखने वाले हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। घर साफ करता हूँ व्हेन द डे एंड्स। तुम भी हमेशा करना मेरे फ्रेंड्स। देखा ना कितना कचरा है। देखो यहाँ चार डस्टबिन भी है। देखो ये तो एक प्लास्टिक बोतल है, ये किसमें जाएगी? क्या ये इसमें जाएगी? नहीं इसमें नहीं, हाँ प्लास्टिक एंड मेटल वाले में जाएगी। हाँ हमने सही डस्टबिन में डाला। ये क्या है? ये है एक पेपर। पेपर को हम कौन से वाले में डालेंगे? बिल्कुल सही, पेपर के डस्टबिन में। ओ मुझे याद है, मैंने इसमें ड्राइंग भी बनाई थी। अब ये क्या है? ये तो सेब का बचा हुआ टुकड़ा है, क्योंकि बाकी सब तो केंट खा गया। अब इसे किसमें डालूं? क्या ये ग्रीन वाले में जाएगा? नहीं ये कंपोस्ट वाले में जाएगा। हमने इसे डाल दिया कंपोस्ट डस्टबिन में। ये क्या है? ओ ये भी एक बोतल है, पर ये ग्लास बोतल है। तो इसे हम किस में डालेंगे? ग्लास वाले डस्टबिन में। ये इसमें मैंने जूस पिया था। अब अगला वाला है सोडा का एक कैन। ये बना है मेटल से, तो इसे मैं क्या पेपर वाले में डालूंगा? नहीं प्लास्टिक एंड मेटल वाली डस्टबिन में डालूंगा। ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ओ ये बेड पर क्या है? ओ ये तो मेरी पुरानी किताब है यानी की बुक। इसे मैं किस में डालूं? नहीं ग्लास वाले डस्टबिन में नहीं, पेपर वाले डस्टबिन में। बहुत बढ़िया। ओ इसमें पिक्चर्स भी थी। अब ये क्या है? ये तो बनाना का छिलका है यानी कि केले का छिलका। इसे किस में डालूं? कंपोस्ट में, जैसे सेब को डाला था। केंट को पसंद है बनाना। ओ एक और बोतल, ये तो ग्लास बोतल है। ग्लास बोतल किस में जाएगी? हाँ ग्लास वाली डस्टबिन में। ओ लेकिन टूटी हुई कांच की बोतल से बच के रहना चाहिए। ओ यहाँ पे तो पॉपकॉर्न बॉक्स है।
इसमें मैंने पॉपकॉर्न खाया था और पिक्चर देखी थी। क्या ये इसमें जाएगा? नहीं, ये जाएगा पेपर वाले डस्टबिन में। क्या आप भी पॉपकॉर्न खाते हो दोस्तों? ये क्या है? ये तो चिप्स का प्लास्टिक पैकेट है। तुम्हें याद है ना ये किसमें जाएगा? प्लास्टिक जाता है प्लास्टिक एंड मेटल डस्टबिन में। इसमें मैंने चिप्स खाए थे। यम यम। और ये क्या है? ये है वाटरमेलन का छिलका। फ्रूट्स के छिलकों को किसमें डाला था? नहीं नहीं, इसमें नहीं। हाँ, कंपोस्ट में। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने काफी कुछ सीख लिया और साथ में मेरा कमरा भी साफ हो गया। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। ओ, ये तो तुरंत शुरू हो गया। बताओ ये किस चीज की फोटो है? क्या ये एक बस है? नहीं, ये बस तो नहीं हो सकती। तो क्या ये एक बोट है? बोट तो नहीं है। तो फिर ये हुई एक कार। सी ए आर, कार यानी कि गाड़ी। पीप 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 पीप। ओह, अब ये क्या है? बताओ दोस्तों, तुम्हारे पास है 3 ऑप्शंस। क्या ये वैन है? नहीं, ये तो वैन नहीं है। क्या ये बस है? क्या तुम इसमें स्कूल जाते हो? नहीं। तो क्या ये ट्रक है? हाँ, ये है ट्रक, TRUCK ट्रक। इसमें हम चीजें ले जाते हैं। अरे वाह, ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे पास है 3 ऑप्शंस। क्या ये एक ट्रक है? ट्रक तो अभी अभी गई। तो क्या ये गाड़ी है यानी कि कार? नहीं, कार भी चली गई। तो क्या ये एक बाइसिकल है? हाँ, BICYCLE। हमने गेस कर लिया, ट्रिंग ट्रिंग। वुहू, अब ये क्या चीज है? बताओ बताओ बताओ। क्या ये एक ट्रेन है? नहीं, ये ट्रेन नहीं हो सकती। क्या ये एक बस है? ना, ये बस भी नहीं है। क्या ये एक रॉकेट है? हाँ, ये रॉकेट है, ROCKET रॉकेट। और ये उड़ भी गया। मैं इसमें बैठकर स्पेस में जाऊंगा एस्ट्रोनॉट बनने के बाद। ये देखो, ये क्या है? गेस करो गेस करो गेस करो। क्या ये एक वैन है? नहीं, ये वैन नहीं है। क्या ये एक ट्रक है? ट्रक भी नहीं है। तो फिर ये हुई बोट, BOAT बोट यानी कि नाव। ये पानी पर चलती है। और अब मैं भी चलता हूँ, बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। आज सॉल्व करूंगा पजल मेरी फ्रेंड्स, बड़ा मजा आएगा देखना टिल द एंड। चलो बताओ इसमें क्या हो सकता है? बताओ बताओ। वाह, ये तो पैर लग रहा है। अरे, ये भी पैर है। ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसे कैसे जोड़ूंगा? अरे अरे, ये तो हिल रहा है। ये तो लायन है यानी शेर, जंगल का राजा। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। कार जा गई। इस बार मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। चलो फ्रेंड। वाओ, ये तो मैं लग रहा हूँ, आप पर कुछ कह नहीं सकता। वो पूरा देखना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा। अरे अरे अरे, ये तो मैं ही हूँ, चुटकु सा एलिफेंट यानी हाथी। अब देखते हैं अगला कौन सा आएगा। 4 कार्ड आए, देखते कौन सा। अरे, ये क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, समझ आ गया। मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हो फ्रेंड्स? ये है एलिगेटर यानी घड़ियाल। तो दोस्तों, आज हमने सीखा लायन यानी शेर और एलिफेंट यानी हाथी। बाय 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 दोस्तों, फिर मिलेंगे। आपका फेवरेट छोटा केंट।